आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसने पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आए हुए सारे किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खोल दिए। पूरी की पूरी सरकार किसानों की मदद करने में लगी हुई है। देश का किसान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है, उसका स्वागत है दिल्ली में। ये एक अद्भुत मौका है हम सब साथियों का कि निकल करके आएं, किसान के साथ खड़े हों। उनकी बातों को जल्द से जल्द माननी चाहिए। ये तो तरीका थोड़ा हुआ कि बार बार मीटिंग पे मीटिंग मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं, वो थकाने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है किसानों को थकाना चाहते हैं मीटिंग कर करके, मीटिंग कर करके। उनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे उन्होंने मेमोरेंडम लिख के दे तो दिया, आप कहो कि हम इस बात को मान रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मैं सोच रहा था इतनी ठंड में, जब हम लोग अपने घरों के अंदर, हमें इतनी ठंड लग रही है, हमारे किसान भाई रात भर आसमान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। ये बहुत बहुत छोटापन है इस केंद्र सरकार का कि वो किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है किसानों को जहां पे भी दिल्ली के अंदर जगह चाहिए, वो उन्हें जगह देनी चाहिए। दिल्ली सरकार उनके लिए इंतजाम करेगी। आम आदमी पार्टी जो है वो सेवा भावना से वहां सेवादार बन के काम कर रही है। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, उनके लिए एम्बुलेंसेस, मोबाइल डिस्पेंसरीज, पानी पीने का और कंबल, मैट्रेस, कुछ भी अगर उनको चाहिए हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही निर्देश है कि हमने सेवा करनी है। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को खत्म किया जाएगा, किसान खत्म होगा, तो देश को खत्म करने का रास्ता खुलेगा। इसलिए किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी राज्यों में, सभी जिलों में, जहां जहां हैं, इसका समर्थन करें।